नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अभी कल हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पे मैंने ये वीडियो यानी कि ये क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन शामिल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इस बार, तो उसी से संबंधित है। तो ये वीडियो आपको इन तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है कल या परसों में तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है। अब कुछ आइडिया लग गया है कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो ये वीडियो आप मिस मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो उसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ या आप लोगों को बताऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको, इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो ये प्रोसेस कर लीजिए। चलिए आज की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था उसी के आधार पे है। तो नंबर एक है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहले आप लोगों को, क्वेश्चन का जो अर्थ है, मीनिंग है, उससे पहले आप लोगों को समझ लेना है। क्या करते हैं जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में उसका आंसर दे देते हैं, तो लेकिन जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज क्रिएट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पहले सही से पढ़ लेना, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। तो ए नंबर कीबोर्ड, बी नंबर माउस, सी नंबर माइक्रोफोन, डी नंबर इनमें से सभी। तो जो पॉइंटिंग डिवाइस है, अब आप सोच रहे हैं इनपुट डिवाइस तो मैंने पढ़ा, आउटपुट डिवाइस पढ़ा, पर पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। तो इसमें जो माउस होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस का वर्क करता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो माउस होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, बी नंबर माउस। तो करेक्ट आंसर माउस हो जाएगा, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना इस क्वेश्चन का, कहीं आप कीबोर्ड ना सिलेक्ट कर ले, कहीं माइक्रोफोन, तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो माउस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज़ में वो है, निम्न में सीडी रोम किस प्रकार की मेमोरी है। नंबर एक ऑप्टिकल डिस्क, बी नंबर मैग्नेटिक डिस्क, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो सीडी रोम होता है वो हमारा एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, ऑप्टिकल डिस्क। दोस्तों, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे मालूम है आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो मैं इसका जल्दी जल्दी से थोड़ा करेक्ट आंसर बता दूंगा। अगर आप राइट करना चाहें यानी कॉपी पेन में तो लिख सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन वो उसकी बात करते हैं, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट बाहर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो लिब्रो ऑफिस में इम्प्रेस होता है फिर डॉक्यूमेंट में बाहर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। जैसा कि आपको पता है इस बार से लिब्रो ऑफिस यानी कि 2-3 महीने से लिब्रो ऑफिस एक नया सिलेबस ऐड हुआ है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से ही आते हैं। अगर आप इसकी वीडियो और भी देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चन, तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी वीडियो, वो सारी वीडियो देख लेंगे तो लिब्रो ऑफिस में आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट कर दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका मैं बात करता हूँ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा Ctrl W। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारी सीरीज में वो है, NEFT द्वारा ट्रांजेक्शन फेल होने पर पैसा कब रिटर्निंग होता है, यानी कि जो NFT होता है, ट्रांजेक्शन होता है ऑनलाइन, शायद आपको पता हो, आई होप पता होगा, तो वो जो फेल हो जाता है, नहीं जाता है किसी भी रीजन से, जैसे कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम या कोई अदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो आपके अकाउंट में दोबारा रिटर्न कब होता है, तो वो हो जाता है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसी नंबर, एक दिन में हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज़ में वो है, निम्न में मोबाइल
के सूटेबल है, मतलब इसमें कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उसमें टफ इंग्लिश होती है, टफ हिंदी होती है, इंग्लिश तो होती है लेकिन हिंदी जो होती है वो थोड़ी टफ होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये मैं बता दूँ, तो उसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसा कि इसमें क्वेश्चन है, निम्न में मोबाइल के लिए होना चाहिए, यहाँ पर मोबाइल के लिए सूटेबल है, तो नंबर एक लिनक्स, नंबर बी विंडोज़, नंबर सी एंड्रॉयड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो मोबाइल में यूज होता है वो होता है एंड्रॉयड होता है आप लोगों का मोबाइल, आई होप आप सभी यूज करते ही हैं, तो उसमें मोबाइल में एंड्रॉयड यूज होता है, जो लिनक्स और विंडोज है ये कंप्यूटर के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज में, वो है DFT का पूरा नाम क्या होता है, नंबर एक डिजिटल फोर्ड टेबल, बी नंबर डायनेमिक फोल्डर, सी नंबर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डी नंबर ऑल अबव यानी कि ऊपर के सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, DFT का फुल नेम होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज़ में, वो है फोन पे क्या होता है, नंबर एक ई वॉलेट, बी नंबर मैसेंजर, नंबर सी गेम, डी नंबर फ़ोन। आई होप फोन पे और गूगल ऐप और भीम ऐप ये सारे ऐप तो आप यूज ही करते होंगे क्योंकि आपके पास मोबाइल मैक्सिमम लोग इसे यूज करते हैं। तो जो फोन पे का काम होता है वो होता है ई वॉलेट होता है, यानी कि उसमें हम पैसों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो ये सारी प्रोसेस वॉलेट में होती है फ़ोनपे में, तो इसलिए इसे ई वॉलेट कहा जाता है ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज़ में, वो है बैंक को इंटरनेट से किस सन में जोड़ा गया, नंबर एक 1995, बी नंबर 2005, सी नंबर 1980, डी नंबर 1996। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसका करेक्ट आंसर बताया था, तो वो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, इसका आंसर आपको बताना है। अगर नहीं पता होगा आप बाय द वे नहीं आपको मिल रहा तो कमेंट में हमें बताइएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा ओके, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे चीज में, वो एक्सेल में इक्वल नाउ ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट क्लोज से क्या होता है, नंबर एक है करंट मिनट, नंबर बी है करंट डेट और टाइम, सी नंबर सिर्फ टाइम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये पहले एक्सेल में जो नाउ फंक्शन होता है यानी नाउ फार्मूला होता है, इसके द्वारा क्या इंसर्ट किया जाता है, क्या हम शो करते हैं या शो होता है इसके द्वारा फार्मूले के द्वारा, उसका मतलब ये है कि जो नाउ आप एक्सेल में जाएंगे वहां पर इक्वल करेंगे और नाउ ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रेकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, जैसे आपके सामने डेट और टाइम दोनों एक साथ, जो करंट डेट और टाइम्स आपके सिस्टम का है कंप्यूटर का है वो इंसर्ट होके आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ध्यान देना है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार आई होप फिर से पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज में, वो है वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है, नंबर एक डॉस, बी नेट, सी वेब, डी HTML। तो जो वेब पेज होता है यानी कि जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर HTML का यूज किया जाता है, यानी कि HTML डॉट एक्सटेंशन नेम डॉट HTML यूज करके आप वेब पेज सेव कर सकते हैं। अगर कहीं HTML की जगह आप लोगों को HTM दिखे तब भी ये इसका आंसर HTM भी एक्सटेंशन है और HTML भी हो, ये दोनों हैं इसके ML और MV, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज़ में, वो है कंप्यूटर में फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन आया है फिलहाल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूँ वो ट्रू होगा, जो आप फोल्डर से चाहे आप रिसाइकिल बिन में आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि डिलीट करके और परमानेंट दोनों डिलीट होते हैं, एक तो डिलीट होता है तो आपके रिसाइकिल बिन में जाता है, एक जब परमानेंट आप डिलीट करते हैं तो आपके सिस्टम से चला जाता है। डिलीट करने की जो शॉर्टकट कीज होती है वो डिलीट होती है, जो परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कीज होती है वो शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। अब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे चीज में, वो है जॉब रिज्यूम बनाने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो जॉब आप यानी कि जैसे कि जॉब नौकरी आप सर्च करने जाते हैं तो जो रिज्यूम बनाते हैं CV उसी को बोलते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम किस में बनाते हैं उसे, या किस चीज़ को उसको बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं वो हो जाएगा
फाल्स, क्योंकि जो रिज्यूम होता है वो एमएस वर्ड में आप बनाते हैं, तो एक्सेल में नहीं बनाते क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन का वर्क होता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे में वो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यस लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए करेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे चीज में वो है लिब्रे ऑफिस में न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल एम का यूज नहीं किया जाता है, आप इसे फाल्स कर दीजिएगा। ओके, जो न्यू पेज इंसर्ट किया जाता है लिब्रे ऑफिस में वो होती है कंट्रोल एन। ओके, एमएस यानी कि आप लोगों के उसमें क्या बोलते हैं, जो लिब्रे ऑफिस क्लर्क होता है उसमें जो आप इंसर्ट करेंगे तो कंट्रोल एन से करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे चीज में वो है एमएस वर्ड में स्टेटस बार स्टेटस होता है, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये कि एमएस वर्ड में स्टेटस बार होता है, स्टेटस जो नीचे होता है सबसे उसे ही बोलते हैं स्टेटस बार, तो ये क्वेश्चन भी सही है, स्टेटस बार होता है, आप चेक करिएगा अगर आपके पास सिस्टम है और एमएस वर्ड यानी कि एमएस ऑफिस यूज करते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। स्टेटस बार में जो आपको लास्ट में यानी कि सबसे नीचे पट्टी देखने को मिलेगी, जहाँ पर जैसे कोई वर्ड लिखते हैं तो वो काउंट होते रहता है नीचे, तो वही उसी को बोलते हैं स्टेटस बार। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिससे ज्वाइन होकर आप सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ले सकते हैं सारी जानकारी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।